हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सम और एनी का यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सम के साथ साथ आने वाले वर्ड्स जैसे कि समबडी, समवेयर, समथिंग, समवन और एनी के साथ आने वाले सेम ऐसे ही वर्ड जैसे कि एनीबडी, एनीवेयर, एनीथिंग, एनीवन, इन सभी वर्ड्स को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, यूज ऑफ सम एंड एनी। ये दोनों ही वर्ड्स का अर्थ होता है कुछ। चलिए हम पहले सम को डिस्कस कर लेते हैं। सम का यूज़ हमेशा पॉजिटिव सेंस में किया जाता है, मीन्स ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमेशा यूज़ होते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जैसे कि शी कैन रन, वह दौड़ सकती है। ही लव्स यू, वह तुम्हें प्यार करता है। आई टुक मैंगोज फ्रॉम फ्रेज, मैंने फ्रेज से मैंगो लिया। शी यूज टू रीड नॉवेल, यू मे गो नाउ। तो इन सभी सेंटेंसेज में एक पॉजिटिव सेंस आ रहा है किसी भी एक्शन को करने का। तो ये सभी सेंटेंसेस जो थे एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, मतलब उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड जैसे कि नो, नेवर, नॉट, इस तरह के कोई भी वर्ड नहीं होते। और सम का यूज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के ही साथ किया जाता है। काउंटेबल नाउन वो जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि ट्री, पीपल, बुक, फोन, पेन, लैपटॉप, हाउस एट्सेट्रा। और अनकाउंटेबल वो नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मिल्क, हेल्थ, वाटर, ऑनेस्टी। अब इसके एग्जाम्पल पर हम एक नज़र डालते हैं, जैसे कि रमेश बाउट सम फ्रूट, रमेश ने कुछ फ्रूट खरीदे। सम एक इनडेफिनिट वर्ड है, मीन्स कितने खरीदे ये नहीं पता। यहाँ पर फ्रूट्स का कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, बट कुछ फ्रूट्स खरीदे। इस तरह के सेंटेंसेस में सम का यूज़ किया जाता है जब हमें किसी पर्सन का या किसी ऑब्जेक्ट का, जब हमें पर्टिकुलर नंबर नहीं पता रहता, किसी स्पेसिफिक नंबर नहीं पता रहता, तो हम वहाँ पे सम का यूज़ करते हैं। सेकंड ऐसे ही हैज सम टाइम टू कंप्लीट हिज वर्क, उसके पास थोड़ा समय है अपना काम कंप्लीट करने के लिए। टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है, के साथ हमने सम का यूज़ किया। अब आपको लगेगा कि टाइम अनकाउंटेबल कैसे है, हम तो उसे काउंट कर सकते हैं। टाइम को काउंट करने के लिए जो हम मिनट, सेकंड, आवर ये यूज़ करते हैं, ये वर्ड्स इनके यूनिट होते हैं। हम किसी मोमेंट को, किसी समय को काउंट नहीं कर सकते, तो ये जो है टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है। Now the next example is she needs some sugar. तो sugar जो है यहाँ पे एक uncountable noun है, उसे थोड़े sugar की ज़रूरत है, तो sugar uncountable noun है, इसलिए उसके साथ some का use किया है। सीता purchased some dresses, एक countable noun है, हम उसे count कर सकते हैं। सीता ने कुछ dress खरीदे, कितने खरीदे ये हमें उसका कुछ specific number नहीं पता, बस इतना पता है कि कुछ खरीदे। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ positive sense में, सेंटेंस के पॉजिटिव सेंस में ही हम सम का यूज़ करते हैं। सम का यूज़ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी होता है, बट वो पोलाइट रिक्वेस्ट को या फिर किसी को कुछ ऑफर करने के लिए हम सम का यूज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर एग्जांपल है, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, हम किसी को ऑफर कर रहे हैं कि क्या तुम थोड़ा कॉफ़ी पीना चाहोगे, तो इस केस में हम सम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुड यू लेंड मी सम रुपीज़, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। यहाँ जो है हम एक तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर किसी को जब हम कोई चीज़ हमें ऑफर करनी होती है तो उस तरह से हम इंटरोगेटिव में इसका यूज़ करते हैं। सम को यूज़ करके समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर, ये सारे वर्ड्स बने हैं। सॉरी, समबडी और समवन ये किसी पर्सन के लिए यूज़ होता है, समथिंग किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, और समवेयर जो है वो किसी प्लेस के लिए यूज़ होता है। तो समबडी और समवन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि शी नीड समबडी टू टेक केयर हर मदर, उसे किसी पर्सन की ज़रूरत है उसके माँ की केयर कर सके घर पर रह करके, ठीक है। तो यहाँ समबडी वो कोई भी हो सकता है, कोई भी स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो समबडी की जगह हम समवन का भी यूज़ कर सकते हैं। अक्षत फाउंड समथिंग इन दैट कार, अक्षत को कार में कुछ मिला। अब क्या मिला ये हमें भी नहीं पता, ये स्पेसिफाइड नहीं है। समथिंग कोई चीज़ है जिसके बारे में हम नहीं जानते, राइट। तो यहाँ पे समथिंग का यूज़ हुआ है। वी वॉन्ट टू गो समवेयर, मान लो हम लॉकडाउन में घर पे रहते रहते परेशान हो गए, अब हम बाहर कहीं जाना चाहते हैं, तो कहीं भी जाना चाहते हैं, चाहे पार्क हो, चाहे मॉल हो, चाहे कहीं भी। तो हमने क्या बोला, वी वॉन्ट टू गो समवेयर। तो इस तरह से हम समथिंग, समवेयर, समबडी का यूज़ करते हैं जब किसी स्पेसिफिक
पर्सन या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात नहीं हो रही हो इस केस में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनी। एनी का यूज हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। इसका यूज भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। एनी का जो यूज है वो नेगेटिव सेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एनी पेन मीन्स मेरे पास कोई पेन नहीं है। यहाँ पे डोंट एक नेगेटिव वर्ड है तो इसीलिए हमने यहाँ पे एनी का यूज किया है। यहाँ हम सम यूज नहीं करते क्योंकि सम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हमें एनी का यूज करना है। सेकेंड एग्जाम्पल ऐसे ही, हैव यू एनी नॉवल, क्या तुम्हारे पास कोई नॉवल है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसीलिए यहाँ पे एनी का यूज हुआ है। अब हमने बहुत बार सुना होगा आई डोंट हैव नो टाइम, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ही इनकरेक्ट होता है क्योंकि डोंट एक नेगेटिव वर्ड है और किसी भी नाउन के लिए हम दो नेगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नो नहीं होगा, इसका करेक्ट फॉर्म होता है आई डोंट हैव एनी टाइम, ये इसका करेक्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसे ही, डिड यू चेक एनी लिस्ट, जो भी लिस्ट था क्या उसे तुमने चेक किया, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे एनी का यूज हुआ है। एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर, एनी से ही मिलकर ये सारी वर्ड्स बने हैं। तो बिल्कुल समबडी और समवन के जैसे हम एनीबडी एनीवन को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। थिंग से हम समझ सकते हैं कि ये एनीथिंग किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है और वेयर से मतलब ये किसी एनीवेयर किसी प्लेस के लिए यूज किया जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्क्रीन पे है, डज एनीबडी नो अबाउट हर मनी, शी जस्ट लॉस्ट इट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या किसी को पता है उसके मनी के बारे में जो उसने जस्ट अभी खो दिया है। तो हम किसी से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है जिसको भी उसके बारे में पता है, हम उन सभी से पूछ रहे हैं, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे हमने एनीबडी का यूज किया है क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एनीबडी की जगह हम एनी वन का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, सीता इज एग्जॉस्टेड, सीता बहुत ज्यादा थक गई है इसीलिए वो कहीं भी जा नहीं सकती, कहीं भी जाने के योग्य नहीं है, राइट। तो यहाँ पे भी कांट का यूज हो रहा है, मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हमने यहाँ एनीवेयर का यूज किया है। कहीं भी नहीं जा सकते मतलब चाहे वो कोई भी प्लेस हो, हमें नहीं पता वो कौन सी जगह हो सकती है, चाहे वो दूर हो, पास हो या कितनी भी अच्छी जगह हो, लेकिन वो कहीं नहीं जाना चाहती, राइट। तो इस केस में हमने एनी का यूज किया है। थर्ड एग्जांपल ऐसे ही, अक्षत हैज मैनी टॉयज बट ही डजंट वांट टू गिव एनीथिंग टू एनीवन, अक्षत के पास बहुत से खिलौने हैं लेकिन वो अपने खिलौनों में से कोई सा भी खिलौना किसी को भी नहीं देना चाहता। तो इसका मतलब क्या है, एनीथिंग मतलब कोई भी खिलौना, बहुत सारे खिलौने हैं तो हम उसमें से किसी की भी बात कर रहे हैं, ठीक। एनीवन का मतलब किसी को नहीं देना चाहता, चाहे वो कोई भी हो वो किसी को नहीं देना चाहता। तो इस तरह से हम एनी और सम का यूज करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, सम का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है और इंटरोगेटिव में तब उसका यूज करते हैं जब हमें किसी से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट या किसी को कुछ ऑफर करना हो, तब हम इंटरोगेटिव में सम का यूज करते हैं। एनी का यूज हम हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्थी, गुड बाय, थैंक यू।